Islamic University, I will teach you how can you find expired events. So आज मैं आपको बताऊंगा कि आप expired domains कैसे find कर सकते हैं with good TAP, ATF, CF और backlinks profile. सबसे पहले आपको मैं ये कहूँगा कि आप ये वीडियो पूरी देखें अगर आप event blogging करना चाहते हैं. इवेंट जो अपने अपकमिंग इवेंट हैं जैसे कि हैप्पी न्यू ईयर, वैलेंटाइंस डे, मुख्तलिफ इवेंट्स हैं, सो आप ये यूरोप को टारगेट कर सकते हैं. तो अब ऐसी वेबसाइट है जो कि आपको ख़ुद फाइंड करना होता है, उसकी सेटिंग लोगों को नहीं पता होती, फिर लोग कहते हैं कि ये वीडियो नामुकम्मल है. तो मैं ये कहूँगा कि आप ये वीडियो पूरी देखें ताकि आपको पता चले कि एक्सपायर्ड डोमेन कैसे फाइंड कर सकते हैं और उसका TFCF, DAPA कैसे चेक कर सकते हैं, स्पैम स्कोर कैसे चेक कर सकते हैं, मोज एहरफ और आपका सैमरुश मजिस्टिक, इस पर कैसे आप चेक कर सकते हैं. तो सबसे पहले आपको एक वेबसाइट ओपन करनी है. वेबसाइट ओपन करने के बाद आपने उस पर अकाउंट बनाना है. तो याद रहे वीडियो पूरी देखिएगा, इसमें आपको A to Z सेटिंग बताऊँगा और आपके 50 प्लस तक के DAPA डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी डोमेन्स आप ले लेंगे और आप 30 इसको $1 में आप क्या कहते हैं बाय भी कर सकते हैं .com डोमेन अगर हुआ तो फ्रॉम नेमचीप. वो कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा और इसकी वीडियो भी चैनल पे ऑलरेडी अपलोड है, वो भी आप देख सकते हैं. सबसे पहले आपने expireddomains.net की वेबसाइट पर आ जाना है और इधर लॉगिन पर क्लिक करना है अगर आपका अकाउंट नहीं है तो. अगर अकाउंट नहीं है तो आप बना लें. तो मैं लॉगिन पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर लॉगिन कर लूँगा. लॉगिन करने के बाद जैसे कि मैं कोई भी इवेंट सर्च करता हूँ, सही है. अब जैसे कि ये देख डोमेन सर्च, तो इधर मैं वैलेंटाइंस डे सर्च करता हूँ. जब मैं वैलेंटाइंस डे सर्च करता हूँ, वैलेंटाइंस डे ये मैं इस सॉरी इधर आ गया था. अब यहाँ पर देखें शो फिल्टर का ऑप्शन है, तो शो फिल्टर में जाएं आप. यहाँ पर आप स्टार्ट विथ किससे स्टार्ट हो और कहाँ एंड हो इधर आप चेक कर सकते हैं. तो आप नीचे आ जाना है और इधर चेक करना ओनली अवेलेबल डोमेन्स पे क्लिक करना है और ये 25 को 50 करते हैं. 50 करने के बाद यहाँ एडिशनल में जाएँ, यहाँ .com, .net और .org, क्योंकि मैं आपको करके बताऊँगा इसमें ज़्यादातर DAPA अच्छा निकलता है, सही. अब आपने यहाँ से देखें कॉपी कर लेना और ये नंबर आ रहे हैं, आपने नंबर्स को रिमूव कर सकते हैं. तो ये नाम मैंने ओपन कर लिया वैलेंटाइंस डे का. अब आप चेक कर सकते हैं सामने. तो करना ये आपने कि जो भी आप इधर वैलेंटाइंस डे या कोई भी इवेंट का नाम सर्च करें, सबसे पहले आपने इधर फिल्टर में आके एडिशनल में आके .com .net कोई भी हाई TLD डोमेन सेलेक्ट करने और उन पर अप्लाई कर देना है. जब आप अप्लाई करेंगे तो ये सारे इसमें ऐड हो जाएंगे. और अगर आपने और सेटिंग करनी है विदाउट हाइफेंस और कैरेक्टर के तो आप वो भी कर सकते हैं. वो कैसे करना है वो आप यहाँ से कर सकते हैं कि नो ये मैंने चेक किया हुआ है. आप यहाँ पर चेक करेंगे तो वो गायब हो जाएगा. तो जैसे मैं अप्लाई करता हूँ तो आप चेक कर सकते हैं. तो इधर नंबर्स आ जाएंगे 2017-16 ये सारे. तो अगर आप ये नहीं चाहते तो आप सिलेक्ट कर लें और अगर आप चाहते तो अप्लाई कर लें. तो ये आपके पास आ चुका है. अब जो आप इधर चेक करेंगे, इधर क्लिक करेंगे तो आपके 50 डोमेन्स आपके पास कॉपी टू क्लिप बोर्ड हो जाएंगे. जब कॉपी टू क्लिप बोर्ड हो जाए तो आपको मैं दो वेबसाइट्स बताऊंगा जहां से आप DAPA बल्क में चेक कर सकते हैं. तो 50 तक ये मैक्सिमम है रेंज. और अगर आपको कोई भी पेड प्रीमियम बल्क सर्च मिलता है DAPA मैट्रिसेस का तो वो आप बाय कर लें कहीं से, तो उससे 1000-2000 होगा. तो वो यहाँ से आप CSV से एक्सपोर्ट कर लें और उसको पेश कर दें, आपको बल्क में दे देगा. तो इधर मैं लिखूँगा पहली साइट, इसका नाम है SEO Weather. SEO Weather और दूसरी साइट है, तो पहली साइट है SEO Weather
जहाँ से आप बल्क सर्च कर सकते हैं। ये आपका ओपन हो जाएगी, आपने SEO टूल्स पर क्लिक करना है। तो मैं आपको प्रेफर करूँगा ये वाली साइट यूज़ करें, रोबिन गुप्ता। और ये आप डोमेन अथॉरिटी चेकर यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो इसमें 25 कर सकते हो, इधर 50 कर सकते हैं। तो मैं इधर ये प्रेफर करूँगा 50 करें। जो आपने डोमेन यहाँ से कॉपी किए हैं वो आप इधर पेस्ट कर दें। जब आप पेस्ट करेंगे तो आपके पास गेट रिजल्ट पे आपको क्लिक करना है और ये आपके पास आना स्टार्ट हो जाएगा। वेबसाइट्स आप चेक कर लें कि SEO वेदर है और दूसरी रोबिन गुप्ता .com है, तो आप ये दोनों वेबसाइट पर जा सकते हैं। और आपको मैं बताता चलूँ कि कोई भी डोमेन अगर एक्सपायर्ड डोमेन आप बाय करें तो उसका या फिर फाइंड करें तो वो 20+ DAP है। DAP उसका आप बाय करें ऑनलाइन, DAP 20+ ठीक रहता है। और अगर आपको बैकलिंक्स अच्छे मिल रहे हैं कम DAP में तो वो भी आप बाय कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं ये ले लेता हूँ और इसको रिफ्रेश करता हूँ कोई, और इधर नेक्स्ट पेज करता हूँ दूसरा डोमेन बाय करने के लिए। तो मैं इधर बीच में से बाय करता हूँ, बीच में से इसको सर्च करता हूँ ताकि इसमें मिल सकें। .com, .net, .org में आपको अच्छे डोमेन्स मिलते हैं DAP वाले। तो जब भी मैंने इसको सेलेक्ट किया, अब मैं जैसे कि इधर कॉपी करता हूँ ये बीच में से लिया और यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ और गेट रिजल्ट पर क्लिक करता हूँ। जब गेट रिजल्ट पर क्लिक करूँगा तो ये अगेन वही सेम चीज़ DAP+ मोस्ट रैंक दे देगा 1x1। तो इसमें आपका टाइम लगेगा। और इसमें ये भी मैं आपको बताऊंगा कि आप मोस्ट से इसके स्पैम स्कोर कैसे चेक कर सकते हैं, लिंकिंग डोमेन कैसे चेक कर सकते हैं, इनबाउंड लिंक कैसे चेक कर सकते हैं, AFS के रेफरिंग डोमेन कैसे चेक कर सकते हैं, बैकलिंक कैसे चेक कर सकते हैं, एंकर टेक्स्ट कैसे चेक कर सकते हैं, और मजेस्टिक से इसके CFTF ट्रस्ट फॉलोअर्स का कैसे चेक कर सकते हैं। मजेस्टिक मेरे पास अभी मौजूद नहीं है, तो इसमें दो सर्चेस आपको मिलती है वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो एज्यूम कर लें हमारे पास एक हाई क्वालिटी डोमेन आ चुका है, तो उसको आप उठा लें और उसका मैट्रिसेस उसके कैसे चेक करने हैं आपने कि वो डोमेन ठीक है या नहीं। अब उसमें ये भी आपको पता करना होगा कि पेनालाइज्ड डोमेन पेनालाइज्ड है या नहीं। तो मैं एक और बार जब सर्च कर लेता हूँ कोई अच्छा डोमेन निकल जाए, तो फिर 1x1 मैं आपको बताऊँगा स्पैम स्कोर वगैरह कैसे चेक करते हैं। तो ऑलरेडी मैं 30+ डोमेन्स, मेरे पास 30+ DAP डोमेन्स मैं ईजिली फाइंड कर चुका हूँ इस वेबसाइट से। इस वेबसाइट को हल्का ना लें, इससे आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है और आप डोमेन सेल कर सकते हैं एक्सपायर्ड डोमेन्स नेम सिर्फ सही है। तो इसमें देखें आहिस्ता आहिस्ता आना स्टार्ट हो गया, तो अब मैं इसको कट कर देता हूँ। बाकी हम ये वैलेंटाइंस डे क्लिप आर्ट या वैलेंटाइंस डे कार्ड्स पर हम करते हैं। सबसे पहले आपको मोज पर आपने अकाउंट बना लेना है, सही है। अब यहाँ पर मैं यहाँ पर इंटर करता हूँ वो डोमेन। अब देखिए इसका DA 17 है, PA 18 है और लिंकिंग डोमेन 35 है। इनबाउंड लिंक्स में आ जाए तो आप इधर चेक कर सकते हैं, फॉलोड 224 है। एंकर टेक्स्ट में आप चेक कर सकते हैं, एंकर टेक्स्ट इसका इंग्लिश होना ज़रूरी है, अगर इंग्लिश ना हो तो वो आप ना बाय करिएगा। और अगर आप कंपेयर करना चाहते कोई दूसरी लिंक प्रोफाइल को, वह भी आप कर सकें। स्पैम लिंक्स पे क्लिक करता हूँ मैं, ये देखिए 73% ये स्पैम ही रहेगा। तो इसको हटा देते हैं, दूसरे पर आ जाते हैं। तो ये देखें जो हमने दूसरा देखा है 1618 वाला, इसका स्पैम 0 है, लिंकिंग 40 है। अब मैं इसका एहरफ में चेक करता हूँ और सैमरुश में भी आप बैकिंग चेक कर सकते हैं, प्लस URDR आप सब कुछ चेक कर सकते हैं इसमें। भाई अब इसका UR 66 है, DR 0.9 है, बैकिंग के 215 है, रेफरिंग डोमेन के 34 है। तो मतलब ये अगर आप 40+ होता तो इसके थाउजेंड्स में होते। तो अब मैं सैमरुश में भी चेक कर लेता हूँ, सैमरुश भी फ्री है, आपको फ्री देता है, आप जस्ट अकाउंट बनाए आपको 10 सर्चेस फ्री मिलेंगी। अब इधर मैं इंसर्ट करता हूँ और सर्च करता हूँ, ये आपको बैकलिंक्स देगा, रेफरिंग प्रोफाइल देगा, क्योंकि हर
स्कूल का अपना अलग रिज़ल्ट होता है, तो मैं आपको चेक करके बता रहा हूँ। तो देखें ये बैकलिंग से 0 दे रहा है ये, और इधर कितने दे रहा है 215 बैकलिंग। तो मुख्तलिफ बैकलिंग्स होते हैं, नो फॉलो टू फॉलो ये ऑल दे रहा है और ये इसमें नहीं शो कर रहा। और अब मैं मजेस्टिक भी देख लेता हूँ इसमें। इसमें आप 10-15 मिनट में आप इजीली फाइंड कर सकते हैं बहुत से डोमेन्स, 30+, 40+, 50+ DAP है। तो ये मजेस्टिक मैं फ्री यूज़ कर रहा हूँ। फ्री से मुराद में आपको 2 सर्चेस फ्री मिलती हैं। URL है आपके 0 और 17 दे रहे हैं। आपने रूट डोमेन पे क्लिक करना है। तो ये TF आपका 4 है, CF आपका 6 है। TF ट्रस्ट फॉलो, CF सिटेशन फॉलो, सही। तो ये आप इधर से आप दूसरे डोमेन भी इधर से चेक कर सकते हैं और एक हाई क्वालिटी डोमेन आप फाइंड कर सकते हैं ईजिली। तो अगर इधर मैं कोई बॉलीवुड लिखूं, बॉलीवुड में और अच्छे डोमेन्स आ जाएंगे जिसके हाई DAP होंगे, जो कि मैं आपको एक और बार सर्च करके दिखा देता हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए और डिटेल में वीडियो हो जाएगी, तो आप सही से आप अपने लिए डोमेन बाय कर सकते हैं। और बात रही कि डोमेन पेनालाइज कैसे चेक कर सकते हैं, सबसे पहले आपने गूगल सर्च बार में जाना है, वहाँ पर साइट लिखना है, फिर आपने 2 डॉट डालने और यहाँ पर अपना साइट लिंक पेस्ट कर देना है। सॉरी, जो हमारी साइट लिंक है वो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, जिसको हमने मैट्रिसेस चेक किए वो यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। ये लिंक मैं कॉपी करता हूँ जो हमने साइट चेक करी थी। साइट लिखा, डॉट डबल डॉट डाले और इंटर कर दिया। अगर ये इधर इंडेक्स है तो ये सही है, तो मतलब आप चेक कर सकते हैं। इंडेक्स नहीं है तो ये मस्ट भी पेनालाइज होगा। तो आप कोशिश करें कि ये इंडेक्स हो। इंडेक्स डोमेन कैसा होगा, जैसे कि इधर मैं एक साइट लिखता हूँ, मैं अपनी एक साइट लिखता हूँ, सही है। अब देखें इधर इंडेक्स शो कर रहा है, मतलब कि ये इंडेक्स डोमेन है और ये पेनालाइज बाय गूगल नहीं है, आप इजीली ले सकते हैं और ये गूगल से बैन भी नहीं है। अब मैं दूसरा अपना डोमेन सर्च करता हूँ, तो ये भी बैन नहीं है और ये ना पेनालाइज है। तो ऐसे आप गूगल पेनालाइज भी चेक कर सकते हैं कि डोमेन पेनालाइज है या नहीं है। तो जैसे कि आप बॉलीवुड का मैंने सर्च किया है, यहाँ पर अच्छे अच्छे डोमेन्स आ रहे हैं, 17-22 DAPA। तो अगर आप इसमें मुस्तकिल करते रहें काम, 10 बार सर्च करेंगे तो आपको 30+, 40+ डोमेन्स ईजिली मिल जाएंगे। फ़िलहाल इसमें आपको थोड़ा बहुत सर्च करनी होती, कुछ आपको ऐसे वर्ड्स लिखने होते हैं जैसे कि बॉलीवुड, जिस पर हाई क्वालिटी सर्चेस होती हैं, कोई मूवीज़ डाउनलोड्स हो गई, इवेंट्स हो गए, तो इवेंट्स वगैरह बहुत हाई सर्चेस होती हैं, जैसे कि अपकमिंग इवेंट हैगा हैप्पी न्यू ईयर वगैरह, तो उस पर भी हाई क्वालिटी सर्चेस होती हैं, तो आप चेक कर सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान सा मेथड है, फ्री मेथड है। ऐप आप बना सकते हैं या बाय कर सकते हैं किसी से ऑनलाइन, तो ये भी आपको मिल जाएगा, या फिर आप ऐप ट्रायल यूज़ कर लें, $7 का आपको पड़ता है वो। सैमब्रुश फ्री है, मैजेस्टिक आपको 2 सर्चेस फ्री मिलती है, मोज़ आपको फ्री मिल जाएगा अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है, 30 डेज़ ट्रायल आपको मिल जाएगा वो भी फ्री। मैंने इसमें प्रो पे यूज़ किया है, जिसका आपको ट्यूटोरियल भी मिल जाएगा मेरे चैनल में। ARF आपको बाय करना होगा, बाकी सब कुछ आपको फ्री मिल जाएगा। तो ये थी एक वीडियो जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया हाउ कैन यू फाइंड एक्सपायर डोमेन्स नेम फॉर फ्री इन 2018। सो आप देख सकते हैं विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट भी आप बाय कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मस्ट सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो कमेंट इन दिस वीडियो। थैंक यू।